This is Anirudh Walia. Welcome to my YouTube channel. और अपना जो सीरीज चल रही है वालिया का जुगाड़ JEE Mains अपन टारगेट कर रहे हैं. This is a part two. Part one already discuss कर चुके हैं. इसमें अपन discuss करने वाले हैं all important concepts जो JEE Mains point of view से बहुत ज़्यादा important है. Crash course रहेगा important questions के साथ और concepts के साथ deal करेंगे. ठीक है, वापस से चलो start करते हैं फटाफट. और important points, important rules इस सीरीज को जो भी follow कर रहा है, जो भी student follow कर रहा है, चाहे फिर वो JEE Mains aspirant हो या NEET aspirant हो, इन पांचों points को अपने दिमाग में रखना है. करना क्या है, पहले questions को खुद से सॉल्व करना है, नोटबुक अपने पास रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोटबुक में नोट डाउन करते रहना है और जो जो पॉइंट्स बताऊंगा उनको नोट डाउन करना है और टेंशन नहीं लेनी, खुद पे विश्वास रखना है. बहुत कम टाइम बचा है, मेहनत करते रहना है. अनिरुद्ध वालिया इज ऑलवेज विद यू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और एक बार जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा जाएंगे आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, चार हो, पाँच हो, दस हो, जितना भी हो, उनको आप फिर कमेंट करके बताना है कि सर मेरा स्कोर 4 out of 5 रहा, 5 out of 5 रहा, 3 out of 5 रहा या 10 out of 10 रहा, जितने भी क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है आपकी. ठीक है, सोल्व टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया बताना खुद से करना है चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. क्लेमेंशन रिडक्शन जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करता है, क्या ये बात सही है या गलत है. अगेन कार्बोनिल कंपाउंड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, वुल्फ किशनर रिडक्शन और एसाइल क्लोराइड रोजनमंड रिडक्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्राइल कोस्टिफन रिडक्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रही है. कौन सा गलत है कौन सा सही है आपको प्रेडिक्ट करना है. ठीक है, आपको वीडियो को पोज करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना है खुद से पहले. कॉपी में नोटबुक में लिख लेना ए है, बी है, सी है, डी है. ठीक है, उम्मीद है सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. आगे बढ़ते हैं. चलो तो मैं आपको एक एक रिएक्शन पहले एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, फिर आगे बढ़ेंगे. देखो क्लेमेंशन रिडक्शन क्या होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला, मतलब यहाँ जितने कार्बन होंगे उतने भी यहाँ आएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड. और कैसे कन्वर्ट होता है, जिंक और मरकरी का एक अमलगम सॉल्यूशन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये सब लेते हैं और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो और अब नेक्स्ट कर लेते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है. वुल्फ किशनर रिडक्शन में अगेन कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट होता है, बट द थिंग इज यहाँ हाइड्राजिन लेते हैं, NH2 इज हाइड्राजिन, जिसको नहीं पता लिख लेना NH2 इज हाइड्राजिन. ठीक है, फिर उसको हीट करते हैं तो अपने पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो अपने पास एल्केन मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है. ठीक है, यहाँ मिलता है वाटर. इन दोनों बातों को दिमाग में रखना. ठीक है, एक बार वापस ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि ऑप्शन में क्या क्या बता रखा था. ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं, देखो ए ऑप्शन में कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है एल्केन में, बिल्कुल सही बात है. अगला ऑप्शन क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन. अगला ऑप्शन बोल रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, वुल्फ किशनर रिडक्शन. पर बेटे इधर देखो ध्यान से कि कार्बोनिल कंपाउंड को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मैंने किया है इसको एल्केन में कन्वर्ट. इसका फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो एल्केन मिलता है, ना कि यहाँ पे अल्कोहल. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नॉट करेक्टली मैच पूछा था, नॉट करेक्टली मैच, ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इसका आंसर है. बट फिर भी हम दोनों रिएक्शन आगे देखेंगे कि रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है और स्टीफन रिडक्शन क्या होता है. चलो तो बढ़ते हैं रोजनमंड और स्टीफन रिडक्शन की तरफ. देखो स्टीफन रिएक्शन बोल लो या स्टीफन रिडक्शन बोल लो, एक ही बात होती है. इसमें नाइट्राइल जो होता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2HCl और फिर उसको बॉयल कर देते हैं. ठीक है, ये होता है स्टीफन रिडक्शन. रोजनमंड में क्या होता है भैया, अगेन यहाँ पे भी अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनता है बेसिकली. ठीक है, और ये देखना तो रोजनमंड और स्टीफन पता लग गया, क्लेमेंशन पता लग गया, वुल्फ किशनर देखो अगेन सेपरेट लिख रखा हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अपने पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बीस का करेक्ट आंसर है. मैच कर लेना किस बच्चे का सही है किस बच्चे का नहीं है, स्कोर मेरे को बताना, पता तो लगे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले, ऑर्गेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस ऑल रिएक्शंस इन वन वीडियो बाय अनिरुद्ध वालिया. ठीक है, इस वीडियो से पक्का मिनिमम एक क्वेश्चन आपको अपने कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा. बहुत फेमस वीडियो है यूट्यूब पे, तो आपको जस्ट सर्च करना है, यू विल गेट दैट वीडियो. सारी रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है, डिस्कस नहीं बल्कि आपको याद रखने की उन सबको ट्रिक भी बताई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वाओ वंडरफुल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया गया है अपने पास इक्विलिब्रियम चैप्टर से, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप पहले खुद से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पोज करना है, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पीके ऑफ वीक एसिड एच ए एंड पीके बी ऑफ वीक बेस बी ओ एच आर दिस. वीक एसिड का पीके वैल्यू दे रखा है और वीक बेस का अपने पास पीके बी वैल्यू दे रखा है और हमें पीएच पूछा है इस सॉल्ट का. देखो चार फॉर्मूले यहाँ पे, तीन से चार फॉर्मूले अपने आयनिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है. वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड. ये तीन चार फॉर्मूले होते हैं, इनको याद करके जाना, डायरेक्ट पुट करना होता है और कुछ नहीं दिमाग लगाना होता. ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट पुट करना है. जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है ये एक,
आई थिंक 2016 का ही क्वेश्चन था, और अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को, तो मेरे सबने इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो देखो क्या है इसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट करना आना चाहिए, पी के वैल्यू ऑफ एच ए गिवन है 3.2, पी के बी वैल्यू ऑफ दिस बेस वीक बेस गिवन है अगेन 3.4। तो सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट अपने पास वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, उसका डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला होता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, 7 + 1/2 pKb - 1/2 pKb। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था। पीके का वैल्यू आपको गिवन है 3.2, pKb का वैल्यू है 3.4, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 6.9। पीएच निकालने का एक क्वेश्चन आएगा, पीएच भी मैंने पढ़ा रखा है, आपको सर्च करने पीएच बाय अनिल द्वाली आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये जैसे इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप इसको देखना, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अपने पास आंसर करेक्ट कौन सा होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन के लिए अपने पास आंसर करेक्ट होने वाला है 6.9। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी, जिसको नहीं पता फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, वीक एसिड वीक बेस का पीएच इक्वल टू 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। और बाकी जो फॉर्मूले रहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सब के फॉर्मूले भी मैं बता दूंगा, यदि चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 6.9 है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन सब बच्चों के सॉल्व होंगे, नहीं हुए तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरह से मेहनत करते रहना है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये 5 पॉइंट आप लोगों से इसलिए तो डिस्कस किए गए हैं, जो ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करते रहो, आपको जस्ट चीज़ें बहुत हेल्प मिलने वाली है इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो अगला देखो, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे पूछा है कि जो नाइट्रोजन है इन चार ऑप्शंस में से उनमें से किस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, मतलब लीनियर शेप, एसपी मतलब लीनियर शेप। कुछ नहीं करना, वीडियो पोस्ट करना है आपको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चे इस क्वेश्चन को तो खुद से सॉल्व कर ही पाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। अभी थोड़े दिन पहले भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई थी, वीडियो भी मैंने डाली थी, और उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चों ने सॉल्व किया होगा। मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा हूँ कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ा दिया है विद इन जस्ट 18 मिनट्स, 2 मिनट का कंसेप्ट है, सिर्फ 2 मिनट का कंसेप्ट है, और बाकी 15 मिनट मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स करवाई है ना, ईजीएस्ट मेथड ऑन यूट्यूब, ये वीडियो जिसने नहीं देखी है ना, तो मतलब शायद वो अपना लॉस कर रहा होगा और किसी का लॉस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। जिसको नहीं पता तो बता देते हैं, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप ये वीडियो देख ले। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है सब बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, या तो आप स्ट्रक्चर बना के कर लो। स्ट्रक्चर्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप लोन पेयर वगैरह भी इन स्ट्रक्चर्स में बता सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैंने डाल दिया इन द गिवन बिलो। ठीक है, चार ऑप्शंस की मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लोन पेयर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला ऑप्शन क्या था, NO2, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्पीशीज के बारे में बात की जाती है। ठीक है, NO2 की बात करते हैं, यहाँ पे देखना क्या बनेगा, नाइट्रोजन डबल बोन O और एक कोऑर्डिनेट बोन बनेगा, या डेटी बोन बोल लो, कोऑर्डिनेट बोन बोल लो या डेटी बोन बोल लो। यहाँ जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है वो sp2 रहने वाली है। सर sp2 क्यों, देखो जो हाइब्रिडाइजेशन में होती है वो याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जितने सिग्मा बॉन्ड, यानी दोनों चीज़ पार्टिसिपेट करती है, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, जितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर उस हिसाब से अपन हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, स्टीरिक नंबर, ये सब बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। कौन सी वीडियो में सर, अरे अभी बताया ना आपको, ये वाली वीडियो में सब डिस्कस कर लिया गया है, तो इस वीडियो को देख लेना, आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कैसे होता है। अभी मैं आपको जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में जो NO2 है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, NO2 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp वाला ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर अपने पास 2 हो जाएगा। फिर भी अपन ऑप्शन 3 और 4 की तरफ जाएंगे, पता नहीं कुछ और चेंजेस आ जाए तो NO2 माइनस में अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, और स्ट्रक्चर मैंने याद बता रखा है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेंगे अपने हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थर्ड ऑप्शन की तरफ चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 sigma bond, 2 sigma bond और 1 lone pair, तो टोटल 3 steric नंबर हो गया। 3 steric नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कौन सी आएगी, sp2 आएगी। इतनी बात क्लियर। अगेन यहाँ पे देख लो, अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 1, 2 and 3। 3 sigma bonds के corresponding hybridization कितनी आएगी, sp2। lone pair होता तो भी आती, geometry और shape बताने में थोड़ी दिक्कत आती है, lone pair
की बात हो तो लोन पे डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन सब की भी ट्रिक यहाँ पे डिस्कस मैंने कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2NO2 प्लस में जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, sp2। वहां आप ये इस ऑप्शन में भी देख के बता पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है सब बच्चों को मजा आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो दो चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो पहले आप तो एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका हिंट बताता हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। देखो आपको उम्मीद है सबने सॉल्व किया होगा, इसके अप्रोच की तरफ बात कर लेते हैं। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। इतना हिंट आपने अभी क्लास 12th पास किया होगा, क्लास 12th का एग्जाम दिया होगा, तो मैं मान रहा हूँ कि इतना आपको नॉलेज होगा। उम्मीद है सबको ये नॉलेज होगा। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं कि सर यहाँ तो नाम लिख रखा है मेलाचाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, गैलिना। तो भैया कुछ नहीं करना, यदि देखो एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ पे दे देता कि गैलिना का फॉर्मूला BbS होता है, सिडराइट Fe2Co3, मैग्नेटाइट Fe3O4, मेलाचाइट जो भी है, तो आप डायरेक्ट बता देते सल्फाइड ओर्स देख के, तो एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आता और आप क्वेश्चन ये बहुत आसान हो जाता। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए क्या किया गया, इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस को रखा गया है। चारों ऑप्शंस बोले तो मैग्नेटाइट, सिडराइट, गैलिना, जिनको पता होगा उनका फॉर्मूला तभी इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं चारों का फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएशन और हो सकती है वो भी आपको बता दी जाएगी। चलो तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, जिसने उम्मीद है सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज मेनली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर, दिस इज द की पॉइंट। ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। अब मेलाचाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो अपनी नोटबुक में, नोटबुक अपने पास रखना, इसीलिए बार बार इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। मेलाचाइट ओर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, ये मेलाचाइट ओर है। मैग्नेटाइट ओर क्या है, मैग्नेटाइट ओर है Fe3O4। सिडराइट ओर क्या है, सिडराइट ओर है Fe CO3। और गैलिना क्या है, गैलिना है PbS, रेड कलर की होती है वो, इस ओर का कलर सल्फाइड ओर है। देखो यहाँ सल्फर किस में आ रहा है, यहाँ पे सल्फर है नहीं आ रहा, ए में, बी में भी नहीं आ रहा, सी में भी नहीं आ रहा, डी में आ रहा है। तो सल्फाइड ओर्स के लिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज किया जाता है, तो अपने पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गैलिना हो जाएगा। तो गैलिना और इज द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब देखना मजे की बात क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर, अभी मैंने आपसे खाली फ्रोथ फ्लोटेशन पूछा है, क्वेश्चन में क्या बदल सकता था, चारों ऑप्शंस को यही रखता, ये पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कंटेन्स आयरन, या विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कंटेन्स लेड, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कंटेन कॉपर, कॉपर वाला मेलाचाइट हो जाता, आयरन वाला कौन सा हो जाता, मैग्नेटाइट और सिडराइट, या अब लेड वाला पूछ लेता तो लेड वाला गैलिना हो जाता। तो क्वेश्चन में और बदला जा सकता है, रटके मत जाना कि सर ने बोल दिया तो बस यही याद आएगा, यही पूछा जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नहीं, ये भी पूछ सकता है कि मैग्नेटाइट ओर के अलावा आयरन की ओर कौन सी ओर है, सिडराइट ओर है, अपने पास हेमेटाइट भी होता है, हेमेटाइट का फॉर्मूला याद रख लो, एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4 और हेमेटाइट इज Fe2O3। तो इतने सारे पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सबको मजा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप उम्मीद है शायद नहीं कर पाए होंगे, टेंशन ना लेना, इंपॉर्टेंट ओर्स के लिए मैंने क्वेश्चन को लिया गया था और सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे जेईई मेंस का। क्या है द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द बंसन फ्लेम एज शोन इन द फिगर बिलो। हॉटेस्ट रीजन बताना है कौन सा होता है, ये रीजन 4 है, ये रीजन 3 है, 2 है, ये 1 है, चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। और जो पहले वाले पार्ट में आपके साथ, चलो वो क्वेश्चन भी अभी फटाफट डिस्कस कर लेंगे, पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन, पार्ट 1 का क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। अब चलो पार्ट 1 का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था RS कॉन्फ़िगरेशन पर, बोला था मैंने पूरा RS कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पढ़ा रखा है, इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर भेजना था। 99% बच्चों ने वो वीडियो शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी, सबने करेक्ट आंसर 3 बताया है। कुछ बच्चों ने 1% बच्चों ने शायद 1 भी बताया, तो 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, आपको बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर है 3। तो मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर भी मेंशन कर दिया था, सी इसका करेक्ट आंसर है 2S3R। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन सब बच्चों ने सॉल्व किया है, मेरे को अच्छा लगा और कमेंट करके बताया। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, छोटी छोटी वीडियो जल्दी जल्दी बनाएंगे, अगले पार्ट में फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बहुत सारी वीडियोज आपको फटाफट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ
पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। आपको टेंशन नहीं करनी है, जिसने पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज़ पार्ट वन देख लें। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हमेशा है, अच्छा परफॉर्म करें, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप शेयरिंग, जितना ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, दिल से अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो उम्मीद है सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।